अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर। टुडे द डेट इज़ 26 अगस्त 2020 एंड द डे इज़ वेंसडे एंड इट्स योर साइंस क्लास। क्लास फोर, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3, फ्रिक्शन एंड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। दैट व्हाट इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होती है एंड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह मूव करते हैं फिज़िकली हमने देखना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन पहले हम देखेंगे, फ्रिक्शन क्या चीज़ है, आखिर इस टर्म का क्या मतलब है। यू हैव लर्नड अबाउट फोर्सेस एंड देयर इफ़ेक्ट्स। आपने पीछे पढ़ा होगा कुछ फोर्सेस होती हैं डिफरेंट टाइप्स की और उन फोर्सेस के कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। कैन यू रिमेंबर व्हाट अ फोर्स इज़, क्या आपको याद है कि एक फ़ोर्स क्या चीज़ होती है एक्चुअल में। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस और उन फोर्सेस के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज़ द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए, एक बॉय कह रहा है कि यस आई रिमेंबर अ फोर्स इज़ अ पुल और अ पुश। कह रहा है कि मुझे याद है कि फ़ोर्स क्या हो सकती है, या तो पुश की फ़ोर्स हो सकती है या फिर पुल की फ़ोर्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल, या तो आप डोर ओपन कर रहे हो या फिर क्लोज कर रहे हो। तो जब आप डोर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं यानी कि अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो पुल होता है, और जब आप उसको दूसरी तरफ करते हैं तो वो क्या होती है, पुश की फोर्स। मतलब आप अपने हैंड से डोर के ऊपर क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो। तो फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ द, इसके अलावा जो फोर्सेस हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये चेंज कर सकती हैं शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मेक द ऑब्जेक्ट्स टू मूव। इनकी वजह से ऑब्जेक्ट्स मूव भी करते हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती हैं, चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर वो मूव कर रहा है तो उसको स्पीड अप कर सकती हैं, स्लो डाउन कर सकती हैं, और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकती हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं सारे फोर्सेज के। ओके, फ्रिक्शन अब क्या चीज़ है। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स, इसको हाईलाइट कर लें, ये डेफिनेशन है। यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन भी है, ये भी आपने हाईलाइट करनी है। अब फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल, और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ये देखें, जो सेकंड गर्ल ने कहा था फोर्सेस कैन चेंज द शेप, ये सारा भी पॉइंट्स आपने हाईलाइट करनी है। थर्ड पे फ्रिक्शन की डेफिनेशन भी हाईलाइट करनी है। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजिस मोशन। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि मोशन को, मतलब कि हरकत हो रही होती है किसी भी टाइप की, उसको अपोज करती है, उसके मुखालिफ चलती है। तो इसको हाईलाइट कर लें, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजिस द मोशन। इफ़ एवरीथिंग कम्स टू अ स्टॉप डस इट मीन देयर इज़ फ्रिक्शन एवरीवेयर। कह रहे हैं कि अगर हर चीज़, इफ़ एवरीथिंग कम्स टू अ स्टॉप, एक स्टॉप इन पे आके रुकती है, डस इट मीन, क्या इसका मतलब है कि वहाँ पे फ्रिक्शन है, हर जगह फ्रिक्शन है। तो देखिए बेटे, जब एक बॉडी जो मोशन में होती है, ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है वो स्टॉप होता है, तो वो किस वजह से स्टॉप होता है, एक्चुअल में वो फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप होता है, क्योंकि फ्रिक्शन वो पॉज करती है किसको, मोशन को। जैसे देखिए नेक्स्ट पेज पे, व्हेन आई गिव, बॉय कह रहा है When I give the box a push, जब मैंने एक बॉक्स को पुश किया, it starts moving. तो उसने क्या स्टार्ट कर दी, मूविंग, मूव करना स्टार्ट कर दिया। After a while, थोड़ी देर बाद वो it stops, ये रुक गया, इसकी जो मूवमेंट थी, मूविंग मूवमेंट रुक गई। Why does not it continue to move? तो ये लगातार क्यों नहीं मूव करता रहा, वो इस वजह से कि जब उसने उसको मूव करवाया, उसके ऊपर फोर्स लगा के, तो उसकी जो मोशन थी ऑब्जेक्ट की, बॉक्स की, उसको अपोज कर दिया फ्रिक्शन ने, वहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स आ गई जिसने उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो वो गर्ल यही कह रही है कि आई थिंक इट हैज़ समथिंग टू डू विद फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अ फोर्स, इसको हाईलाइट करें, दैट अपोजिज द मोशन व्हेन टू सर्फसेज आर इन कॉन्टैक्ट। जब दो सर्फसेज का आपस में कॉन्टैक्ट, कनेक्शन होता है, तब क्या होती है, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट हो जाती है जो कि उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवा देती है। इट स्लोज डाउन द मूवमेंट एंड ब्रिंग्स मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। ये पहले तो उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को स्लो कर देती है और बाद में उसको स्टॉप करवा देती है। नेक्स्ट है देखें पिक्चर में, ओह नो माई लॉरिस ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग, हेल्प समवन हेल्प। तो देखें, एक आपको गाड़ी नज़र आ रही है, ठीक है, उसको हेल्प चाहिए क्योंकि उसकी ब्रेक्स नहीं लग रही। तो जो ब्रेक्स लगती हैं ये भी एक्चुअल में किस वजह से होती हैं, फ्रिक्शन की वजह से होती हैं। तो विदाउट फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगी, व्हीकल विल नॉट बी एबल टू स्लो डाउन एंड स्टॉप। तो व्हीकल्स जो होंगी वो इस काबिल नहीं हो सकेंगी कि वो स्लो डाउन हो जाएँ और इवेंचुअली आखिरकार वो स्टॉप हो जाती हैं। Have you tried opening the lid of a container? अगर आप ट्राई करते हो किसी भी कंटेनर के लिड को खोलने की विद वेट, गीले या फिर सोपी सोप वाले हैंड से, वेयर यू
वर यू एबल टू डू इट, क्या आप इस काबिल हो जाओगे कि आप उसको खोल सके वेट हैंड से या फिर सोप वाले हैंड से? नहीं, आपका हाथ जो होगा फिसल जाएगा ना, स्लिप हो जाएगा. गर्ल कह रही है माई हैंड्स आर टू स्लिपरी टू होल्ड ऑन द ड्रॉर एंड लिड, आई विल हैव टू वॉश एंड ड्राई माई हैंड्स फर्स्ट. वो कह रही है पहले मैं अपने हैंड्स को वॉश करूँगी, ड्राई करूँगी, देन लिड ओपन करूँगी. वो इस वजह से क्योंकि जब आपके हैंड ड्राई हो जाएंगे तब फ्रिक्शन की फोर्स आएगी जिसकी वजह से आप उसका जो लिड है वो ओपन कर सकोगे. तो सोप एंड वाटर रिड्यूस कर देते हैं फ्रिक्शन को. रीज़न यही है कि जब आपके हैंड पे सोप होगा या वाटर होगा वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं बिटवीन टू सर्फेसिस हैं योर हैंड्स एंड द कंटेनर, सो मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ग्रिप और होल्ड ऑन द कंटेनर. तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कंटेनर को खोलना. तो फ्रिक्शन इस तरह हमारी हेल्प करती है टू डू मैनी थिंग्स इन आर डेली लाइफ. विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बगैर जो लाइफ है वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट हो सकती है, और इवन डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है. ओके क्लास, द इंट्रोडक्शन फॉर टुडे ऑफ फ्रिक्शन इज इनाफ. इसकी रीडिंग करिएगा अच्छे से और हाईलाइट पॉइंट्स को लर्न कीजिएगा. ओके, थैंक यू.